भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हालांकि ये सीट गड़ी थी कांग्रेस की, लेकिन जब से हमारे ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो उसके बाद में जैसा कि हमारा यहाँ यथार्थ में जो बात है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उस हिसाब से तो कोई ये मिथक ही था। और भजनलाल जी के आने के बाद तो इस मिथक रखड़ा भी नहीं जाता। मैं शुरू से यही निवेदन जनता से भी कर रहा था और नेतागणों से मीडिया से भी कह रहा था कि ये सिर्फ मिथक है। अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10-11 महीने में जो काम किए हैं और जो आशीर्वाद मोदी जी का मिल रहा है उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये मिथक है और ये उपचुनाव में जनता बता देगी कि ये कोई गढ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पूरा वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी की रीनीति रीति थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास पर मोहर लगाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम थे पिछले 10-11 महीने के उससे जनता बड़ी गदगद थी और विशेष रूप से झुंझुनू जिला यमुना जल समझौते को लेके, तो निश्चित रूप से उस विकास पे मोहर लगी है। यमुना जल समझौते की जब बात आती है तो भी कई तरह की बातें आती है कि जो MOU हुए वो अभी तक सार्वजनिक नहीं है, साथ ही इसकी जो फिजिबिलिटी है उस पर भी सवाल है। कोई सवाल नहीं है तो सिर्फ कांग्रेस भ्रमित करती रही। हमारे सौर्य के सीताराम जी ओला पिछले 50 साल तक नहर के नाम पे वोट मांगे और जनता ने दिए भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है और करती वही है जो कहती है, तो यमुना जल समझौता लागू किया है, इसमें कोई बीच में भ्रम की स्थिति नहीं है। अब जो है क्या प्राथमिकताएं रहेंगी भाई, जो ये यमुना जल समझौता लागू है इसको त्वरित गति से लागू करना और सिंचाई का पानी यहाँ मिले झुंझुनू को, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और बाकी तो जो पहले की पेंडेंसी है पिछले जनप्रतिनिधि 20 साल से कुछ नहीं किया उनको प्राथमिकता में लेके भविष्य की समय के हिसाब से शिक्षा स्वास्थ्य सड़क किसान महिला रोजगार सब मुद्दों पे काम करेंगे।